बट अगर मैं मम्मी को पैसा भी दे दूं, मम्मी सुबह सुबह तैयार हो रखी है। यार ऐसा ये अच्छा जुगाड़ है, ऊपर क्यों रखा है? है? अच्छा आओ बताओ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका देवभूमि के इन खूबसूरत और बरसते पहाड़ों में। अभी भी बारिश लगी है, दो तीन दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। आज भी हमेशा की तरह पूरे पहाड़ों में कोहरा ही कोहरा लगा है। आज कम लगा है कोहरा, ज्यादा नहीं लगा है, बट बारिश सुबह से लगी ही है। देखो आज सामने वाले गाँव साफ दिखाई दे रहे हैं और सामने लगा है काफी ज्यादा कोहरा। वहाँ हर रोज कोहरा ही लगा रहता है और सामने वाले पहाड़ काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मम्मी ने बैल और बकरी भी खोल दी है और मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ जंगल में। अर्चना मेरे को छतरी दे रही, दे दे, थैंक यू। अर्चना बोली कि छतरी लेके जावल, मैंने कहा कि मैं छतरी नहीं ले जाऊंगा। वैसी अभी थोड़ी बारिश कम हुई है ना, फिर मैंने कहा कि वैसे जाऊंगा। अर्चना कह रही कि ना छतरी ले जावल, तो चलो अर्चना कह रही तो ले जाते हैं। छतरी भी कौन सी वाली दी है भाई, उसने छेद छेद दिखाई दे रही इसमें पूरे। भाई मम्मी ने बकरी भी खोल दी है, अब चलते हैं। आ नहीं जान, अच्छा आओ बताओ। रेख तो नहीं बरखा, सुबह सुबह तैयार हो रखी भाई। कलील मनोज जन बाघर कख, मनोज कख जी हो, चल तू खोल रे, तू खोल, चल फिर मैं ले जाऊँ। पायल वो कख ना जतिन है या? चल वे छोटू चल, धन खोलते हैं। नहीं नहीं सल्ट ले ली मुंगरी खा रहा। तो भाई इनकी अभी भी मुंगरी है भाई, हमारे तो है ही नहीं। देखो मौसम काफी प्यारा हो रखा आज। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता कि अपना मोहल्ला भी दिखाया करो, बल्कि भी ये है भाई हमारा मोहल्ला ऊपर की साइड। क्या यार आप सुबह उठे भैंस के नीचे, फिर घास के लिए, फिर नाश्ता बनाया, फिर जंगल में यार हाथ धोती हर एक चीज की भूखा रखा है। ये तो मेरी जान है भाई, अर्चना क्या ये काम करते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है ना सबको बेच देते हैं। चलता मैं रेडी हूँ बेचने के लिए, आप रेडी हो? रेडी है मैं, वहाँ भी रेडी है। मैं पा बहुत भी तीज बोलूं पापा को, मना किया तो ना मना, हाँ भैंस जी रखने। अरे कितने पैसे चाहिए आपको बोलो, बैल को पैसा कितने चाहिए? भैंसा देखो भैंस आप हमारी खातिर रख रखा कि सिर्फ वैसी कि थोड़ी बहुत खर्चा पानी आ जाए, और अपना बच्चे के लिए एक, मतलब कि हमारे लिए खर्चे के लिए। भैंस एक महीने में कितना खर्चा दे देता है ये बताओ? कितने कितने देती है? बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ। वो पैसे मैं दूं आपको महीने 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 आप भी दो, फिर भैंस बेच दोगे, फिर कुछ नहीं करोगे आप? अच्छी बात, फिर कुछ नहीं करना आपने। अगर मैं आपको पर महीने 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार दे दूं आपको, फिर आप सब धन बेचोगे, भैंस गाय सब कुछ, फिर कुछ नहीं करोगे? काम क्या मैं तब बैठू रोलो ध्यान, बकरू काम रो, लोकरू काम पोलो बस, और आराम पोलो यहाँ दे, आराम पोलो। बट अगर मैं मम्मी को पैसा भी दे दूं, मम्मी नहीं बेचेगी भाई। यहाँ पर तो मम्मी बोल रही कि अगर तू मुझे पर मंथ 15-20 हजार रुपए भी देगा तो मैं बेच दूंगी, पर मम्मी नहीं बेचेगी भाई। गाय भैंस खेत रखे हुए ना पहाड़ में कुछ फायदा नहीं है भाई, गाय भैंस उन खेतों में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ दुकान से खरीदना पड़ता है, सब कुछ दुकान से लाना पड़ता है, फिर उन खेतों रख के क्या फायदा यार? गाय भैंस रख के भी क्या फायदा जब उनके लिए 5-5 हजार का घास पर मंथ लाना पड़ता भाई। तो अभी का चारा तो बैल जंगल में खा लेगा, बैल और बकरी, और भैंस के लिए और बैल और बकरी के लिए रात के लिए मम्मी एक घास घर को ले जा रही है। ओ बैल गिर मत जाना भाई, गिर मत जाना, नीचे मत आना भाई। यार ऐसा ये अच्छा जुगाड़ है, ऊपर क्यों रखा है? अच्छा नीचे गाय बैल खा रहा ऐसा का घास, ऐसा ने सीधा पेड़ के ऊपर रखा है भाई। मस्त यार। आ, 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 आ,
आज हम यहाँ पर बकरी चरा रहे थे और मम्मी दूर से भाई बांझ का भारा लेके भी आ गई। माँ कितने दूर से लाए ये, और मम्मी ने बहुत दूर से बांझ का भारा तो लहा दिया है। ऐसा काजल मैं यहाँ पर बकरी भी चरा रहे थे और घास भी निकाल रहे थे, तो मम्मी दूर से आ गए क्योंकि हम गाय जिन बांझ जो गाय ये हमारे घरेलू बांझ है, हमारे जंगल के बांझ है, इनको हम नहीं निकाल सकते हैं। बांझ बहुत दूर से लाना पड़ता है, घास तो हम यहाँ पर घास हम यहीं पर निकाल सकते हैं। तो ऐसा काजल मैं हम तीनों ने यहाँ पे बकरी और बैल चराया और मम्मी दूर से बांझ लेके आ गई। मम्मी की दुख भरी जिंदगी यार माँ। चलो बैल बकरी 3-4 घंटे जंगल में चरा ली है, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, अब चलते हैं घर। हमने तो नज़दीक के जंगल में चराए क्योंकि दूर के जंगल में बाघ का भी डर है, तेंदुआ का भी डर है। और काजल ऐसा मैंने यहीं पर बकरी चराई और घास निकाला और मम्मी गई थी दूर के जंगलों में, मम्मी भाभी बहुत सारे गए थे दूर के जंगलों में बांझ के लिए। थक लग गई, मैं ले जाऊं नहीं है मेरे बस की बात, अरे मैं उठा लूंगा सीधे, अरे मैं ले जाता हूँ। फिर क्यों करना था इतना भारी, क्यों क्या फिर है लो सुधी, कम नहीं कर सकते थे क्या, घास भी तो लाया, ऐसा भारी तो नहीं हो रहा। मैं ले जाऊं चल मैं आयशा का वो ले जाता हूँ, अब घीड़ा तेरा ले जाऊँ भाई, ये तो हाँ ही बोले कि मुझे पता था, छोटी का ले जाता हूँ, बड़ी खुद ले जा देगी। तो चलो गाइस हाथ भी धो दिया है, जैसे ही हम जंगल से आए खाना खाया तो 2-1.5 घंटे में सोया रहा, तो काजल भी सोई रही। तो काजल यहाँ पे अभी कपड़े धो रही है, मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ रहा है इधर उधर है घट। मम्मी ना मैंने कहा ना कि मम्मी को चैन नहीं है, मम्मी काम 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 पे लगी रहती है। मम्मी ने मुझे कहा कि तू सो जा खाना खा सो जा, और मैं भी सोती हूँ भाई। काजल को पूछा मैंने काजल को पूछा तो मम्मी बोल उसी वक्त चक्की फिर चली गई थी, मुझे सुला लिया और अपने आप चक्की फिर चली गई है। और मैं अभी सो के उठा हूँ, अंदर मैंने चाय रखी थी। गाइस तुम्हारा भाई दूध की चाय बनाता है, पानी पूनी कुछ नहीं डालता भाई, ओनली दूध, पूरी क्रीम ही क्रीम लग रही गाइस। चलो भाई चाय बन के तैयार हो गई है, यार आप एकदम कहाँ गोल हो गए थे यार, हैं? एकदम क्या करेंगे क्या? हैं? जब पेट है ना तो करना पड़ते है, बिल्कुल ठीक है, क्या करना है एकदम, हाँ एकदम राइट। तो बाहर अंधेरा पड़ने वाला है, मम्मी आई चक्की से फिर मट्ठा छोड़ना स्टार्ट कर दिया भाई, यानी कि छांच बनाना स्टार्ट कर दिया। हटो आज मैं छोलूंगा, आज आपका भाई छोलेगा मट्ठा। मम्मी जंगल से आई फिर चक्की पे गई फिर मट्ठा छोड़ने, सुबह से भी काम पे लगी रही, पूरी मट्ठा मैं छोलूंगा। और कुछ नहीं गाइस थोड़ी बन जाती भाई, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नजदीक लगा दिख रहा है। गाइज हालत खराब हो गई, अभी भी छांच नहीं हुई, यानी कि अभी भी मट्ठा नहीं हुई। तो भाई कुछ आसान तरीका बता यार छांच छोड़ने का, भाई मैंने कपड़े भी निकाल दिए इतनी गर्मी फिर भी नहीं हो रहा भाई, लगता मुझे मशीन मंगवानी पड़ेगी यार, है छांच छोड़ने की मशीन मिलती है ना, अगर मिलती है तो उसके लिए क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना यार, मंगवाऊंगा, अब मशीन ही लानी पड़ेगी यार, ऐसे में काफी ज्यादा खींचने में हाथों पे दर्द, काफी ज्यादा आफत आ जाती यार।
चलो गाइस, बाहर की लाइट भी जला दी है। ये है हमारा फालतू रूम, जैसा कि कुछ भी फालतू चीज है वो हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ देखो सब कुछ रखी है, तो जैसे कुछ दुकान से ला दिया, पेंसिल के डब्बे, जो भी होता खाने पीने का सामान और धूप मोमबत्ती कोलगेट वगैरह आगरा कुछ ब्रूस, सब कुछ ब्रूस का तो पूरा पत्ता पड़ा है। तो ये मेहंदी भी पड़ी है, सब कुछ हम, और कॉपी तो बहुत है ऊपर, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ओवर चीज़ होती है, खाना पीने की चीज़ घर में, जो भी फालतू घर में जो भी साइड रखने की चीज़ होती है, ये सब हमारी यहाँ रखी हुई रहती है इस कमरे में। ये कमरा हमारा साइड पर है। चलो, अंधेरा भी पड़ गया है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ इस वाले कमरे में अर्चना और अस्मिता अपनी अपनी पढ़ाई कर रही है, और बगल वाले कमरे में काजल का इस बार 12वीं है ना, तो इस वाले कमरे में ये अपनी पढ़ाई कर रही है ना, पढ़ के। अरे ए मायावान, पढ़ के कौन पढ़ता है यार, हैं? मस्त ढंग से पढ़े ना। तो गाइस, अभी भी मट्ठा नहीं हुई यार, होने में तो आ गई यार। आओ छोलो ना। तो मैं दीप दाप भी जला दिया है जी, हो दीप भी जला दी है, तो जितना हो सकता था मैंने तो बल लगा दिया मट्टा छोलने पर। अब मम्मी ही लगी है, अब थोड़ा सी ही रह रखा, होने में आ गई, बल हो जाएगी, बल एक मिनट में। तो ऐसा 4-5 बजे ही अपनी पढ़ाई संपन्न कर लेती है, उसके बाद बनाती है घर का खाना, रोटी सब्जी वगैरह आगरा, फिर ऐसा अपनी पढ़ाई करती है। तो ये है हमारी रात की लाइफ स्टाइल ही कह सकते है ना। तो चलो फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो गाइज, आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम जल्द ही दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।